सुप्रभात बच्चों, वर्ग दशम के बच्चे ध्यान देंगे। देखिए आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ये का संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें इस संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। देखिए संस्मरण जो है ये फादर बुल्के का पूरा नाम क्या है, फादर कामिल बुल्के, इन्हीं पर ये संस्मरण लिखा हुआ है। उनका विचार कैसा था, वो कैसे मिलनसार व्यक्ति थे, उन्हीं के बारे में आज जाने। फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। वो अंतिम में कैंसर से मरे थे, इसीलिए इन्हें जहरबाद से मारा गया है। वो विष पान करके नहीं मरे थे, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी, इसीलिए ये यहाँ लेखक द्वारा यहाँ बोला गया है कि इतने मिलनसार व्यक्ति जिनको ईश्वर के प्रति इतनी आस्था थी, उन्हें इस तरह की मृत्यु क्यों मिली। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, इमारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, यानी किसी से मिलने, किसी को कोई बड़ा हो या छोटा कभी भेदभाव नहीं करते थे, सबको समान रूप से मानते थे। उन्हें इतनी ममता, इतना अपना तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। हर प्रियजन के लिए उनका सबसे पहले यहाँ कद है कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, सफ़ेद, किस तरह के पहनते थे, दाढ़ी कैसी थी, आँखें, और उसके बाद उनमें कैसा अपनत्व था, साधु जैसे विचार एक प्रियजन के लिए उमड़ पड़ता था, यानी कोई भी उन्हें पढ़ाया नहीं नज़र आता था। सबके साथ समान व्यवहार। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, ये लेखक कह रहे हैं। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और अब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ये लेखक अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं कि जब मैं 35 साल का था तब से मैं साक्षी हूँ, इलाहाबाद में थे तब भी और दिल्ली आते थे तब भी। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उदास शांत संगीत जब सुनते हैं तो उसमें व्यथा भरी होती है उस संगीत में, उसी तरह फादर बुल्के को याद करना है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनको देखना करुणा के निर्मल जल, करुणा यानी दया के सागर में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। वो कर्म ही कामधेनु है, अगर उनसे बात करते हैं तो कर्म भरी बातें, हमेशा कर्म पर अडिग रहो, वही सिखाते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बने थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते, वो हमें अपने आशीषों से भर देते। देखिए हंसी मजाक सब कुछ करते थे, गोष्ठियों में शामिल होते थे, और कहीं भी उत्सव, विवाह, संस्कार, जन्म, मृत्यु, कुछ भी वैसे कार्य होता था तो वो बड़े भाई के तरह वहाँ खड़े हो जाते और आशीष देते थे, आशीर्वाद से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरना वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देखिए देवदार
देवदार एक लकड़ी होता है, एक पेड़ होता है चंदन की तरह, जो शीतलता सभी को प्रदान करता है, उसी तरह फादर बुलके थे। फादर बुलके जो है वो देवदार के चंदन के लकड़ी के समान है, वो सभी को शीतल देने वाले पिता समान थे। शीतल जैसी छाया सबको देते थे, देवदार के चंदन जिस तरह सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से वो सभी को सुख दुख लाभ हानि हर समय वो सबको खड़े उतरते थे कुटुंब परिवार के रूप। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले